मित्रों नमस्कार। आप सब बढ़िया होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो भक्ति काल के अंदर संत काव्य में हम लोग चल रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर किस तरह से हम लोगों ने 95 क्वेश्चन हम लोगों ने संत काव्य के कर लिए और आगे हम लोग इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। 96 नंबर से आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथियों अगर पहली बार चैनल पर आते हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज। आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे इस तरह से ही, और यार जरूर शेयर जरूर किया करो आप लोग, ठीक है। तो चलिए 96 नंबर का प्रश्न है साथियों। इतनी भयंकर तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन दिया गया है इन प्रश्नों का, मतलब 10 क्वेश्चन पढ़ना क्या 100 क्वेश्चन के बराबर होता है साथियों। चलिए, दुल्हीन गाऊं मंगलाचार, दुल्हीन गाऊं मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है। तो साथियों यहाँ पर दुल्हीन गाऊं मंगलाचार, यहाँ पर जो है दाम्पत्य प्रेम का जो है रूप दिखाया गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इस पद में कबीर अपनी आत्मा को दुल्हीन के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर दास जी की बात है, दुल्हीन गाऊं मंगलाचार, ये पंक्ति कबीर दास जी के द्वारा बोली गई पंक्ति है। और कबीर दास जी जो है साथियों अपनी आत्मा को दुल्हीन के रूप में मानते हैं और राम यानी परमात्मा को भर्तार अथवा पति के रूप में मानते हैं। तो कबीर दास जी यहाँ पर क्या मानते हैं, अपनी आत्मा को तो दुल्हन मानते हैं और भगवान जो श्री राम है, जो परमात्मा है, उनको भर्तार या अपना पति के रूप में वो मानते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर जो है अपने आप को इस पद में प्रेम के उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं। वे अपने आप को दुल्हीन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं कि परमात्मा के सुमिरन की प्रक्रिया में उसके जो राम हैं भरदार के रूप में उनके अहो भाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीर दास जी के द्वारा रचित ये उलट भांसी उनके ग्रंथ बीजक के रैमेनी से संबंधित है। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऊपर जो पंक्ति हम लोगों ने पढ़ी है, ये वाली पंक्ति जो हम लोगों ने पढ़ी है, ये पंक्ति कबीर दास जी के द्वारा लिखी गई अर्थात कबीर दास जी के द्वारा बोली गई उलट बांसी उनके ग्रंथ बीजक के रैमेनी से संबंधित है। ये निर्गुण संत शिरोमणि थे, आप सबको पता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है, कबीर है। जो हिंदी भक्ति काव्य का जो प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता है वो कबीर है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया, रिवाइज है। कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद था, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर खेत की था। यार रे कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है रे। चलो भैया कबीर के गुरु का नाम रामानंद, लेकिन मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी, सूफी फकीर शेख तकी था। साथियों मजा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन, जैसे आप पढ़ोगे जैसे आप देखोगे मजा आ जाएगा। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे, ये क्या थे, सिकंदर लोदी के भी पीर गुरु माने जाते हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। मेरे हिसाब से आप मजा आ गया होगा। तो वैसे तो कबीर के गुरु का नाम रामानंदी था, लेकिन मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था, ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है। सूफी फकीर शेख तकी, और ये सिकंदर लोदी के भी पीर गुरु थे, हो जाएगा याद। 97 नंबर का प्रश्न है। देखो एक अचंबा देखा रे भाई, डाठा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाही, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बेल ही डारी गूनी घरी आई, कुत्ता कूले गई बिलाई। बहुत तगड़ी पंक्तियां हैं यार। चलो आगे पढ़ते हैं। तली करी सासा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीन हु त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में जो असंगत है वो क्या है साथियों, पद के संदर्भ में भक्ति की चरम दशा को बताया गया है, ऐसा इसमें नहीं है। उलट बांसियां हैं कबीर ने लिखा है, तो उलट बांसी योग साधना पद्धति भी है, गीता भी है, सब मिलेगा, लेकिन भक्ति की चरम दशा इसमें दिखाई नहीं देती है।
चले यहाँ पर आप कबीरदास जी के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। कबीरदास भक्ति की चरम सीमा ज्ञान को मानते हैं, जहां भक्त का भगवान से साक्षात्कार हो जाता है। उनके लिए वही भक्ति की चरम सीमा है। जिस भक्ति में भगवान से अगर भक्त का साक्षात्कार हो जाए, वही वो भक्ति की चरम सीमा मानते हैं, और भक्ति की चरम सीमा भी वही है, ऐसा यहाँ पर कबीरदास जी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, उन्होंने कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। कबीर का जन्म काशी में हुआ। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इसका पालन पोषण किया है। ठीक है साथियों, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कबीर का जन्म काशी में हुआ था, नीरू नीमा जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इनका जन्म 1398 में हुआ, इनकी मृत्यु 1518 में मगध में हुई थी, याद हो जाएगा। कबीर की जो पत्नी है, कबीरदास जी की जो पत्नी है, उनका नाम लोही था, और इनके जो पुत्र और पुत्री थे, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में क्या कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज हैं, वह भौतिक आलोचना के विषय में नहीं है। साथियों, जो कथन होते हैं, आप कहीं ना कहीं रजिस्टर में जरूर नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत भयंकर तरीके से व्याख्या दी हुई है इन प्रश्नों की, तो आप जरूर पढ़िएगा, पूरी पूरी व्याख्या पढ़िएगा दिल लगा करके, मजा आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी मान लो आप। कबीर के पदों में जो महान प्रकाश पुंज हैं, वे बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं हैं, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो साथियों, आप खुद देखिए कि मतलब अगर हम इनमें इन प्रश्नों को जब पढ़ रहे हैं और इनका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े, इनकी व्याख्या नहीं पढ़े, तो क्या मतलब, फिर मजा ही क्या है फिर? ठीक है ना साथियों, और पहली बार जुड़ते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दबा के। चले 98 नंबर का प्रश्न है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो, ये पंक्तियां हमने हजारों बार सुनी है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो, तो ये कबीरदास जी के द्वारा ये पंक्तियां बोली गई है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं, पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ढाई अक्षर का एक शब्द प्रेम है, जो उसका पढ़ लिया यानी परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ और उसका दर्शन पा लिया, तो वास्तव में वही पंडित है। इसके अलावा कबीरदास जी किसी को महान ज्ञानी नहीं मानते हैं। चलिए ये दो पंक्तियां और है जो कुतुबन और जायसी ने बोली है, इन पंक्तियों को भी आप थोड़ा सा देखिएगा। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहे निहानु। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि निहानु। साथियों, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं स्पीड से पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए मेरी स्पीड बिल्कुल सही है। देखो, मैं जितना आराम से पढ़ूंगा, जितना आराम से आप लोगों को बताऊंगा, उतने ही अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट होगी चीजें। अगर मैं स्पीड से पढ़ूंगा ना, चीजें समझ में नहीं आएगी, फिर आप लोगों को भी ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, तो विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि निहानु। किसने बोली है? कुतुबुन ने बोली है। जेहि के बोल बिरह के धाया, कहू केहि भूख कहाँ ते छाया। जेहि के बोल बिरह के धाया, कहू केहि भूख कहाँ ते छाया। तो एक किसने बोली है? जायसी के द्वारा बोली गई है। चलिए 99 नंबर का प्रश्न है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा है ये अच्छे से। गुरु नानक का जन्म जो है रावी नदी के किनारे हुआ। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे तलवंडी में हुआ। नानक साहब कहते हैं अभी गांव कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में इनका जन्म हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में इनका जन्म हुआ, तलवंडी, जिसको ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान में लाहौर में पड़ता है। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। गुरु नानक भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्री शाखा के संबंध रखते हैं। तो गुरु नानक जो देव है, भक्ति काल में निर्गुण धारा में भी ज्ञानाश्री शाखा से संबंध रखते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि गुरु नानक देव का जन्म रावी नदी के किनारे हुआ, और तलवंडी में हुआ कार्तिक पूर्णिमा में एक
खत्री कुल में हुआ था। ठीक है, तलवंडी को अभी हम नानक ननकाना साहब भी कहते हैं। गुरु नानक जो है भक्ति काल में निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय का शाखा से संबंध रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनके बारे में कुछ यहाँ पर पंक्तियां लिखते हैं और एक कथन वो कहते हैं, भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गुरु नानक जो है भक्ति भाव पूर्ण होकर के जो भजन गाया करते थे वो उनका जो संग्रह किया है वो गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत किया गया है। तो प्लीज आप इसको जरूर नोट कीजिए और अच्छे से ध्यान रखिए। साथियों मेरे को तो मतलब यार मजा आ जाता है इन प्रश्नों को पढ़ के, मैं क्या बताऊं आपको, दिल खुश हो जाता है। प्लीज आप भी जो है रजिस्टर में नोट करके और दिल से पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको, सक्सेस जरूर मिलेगी इन प्रश्नों को। मेरे हिसाब से तो एक भी प्रश्न आज से बाहर नहीं जाने वाला भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए लेकिन इसकी व्याख्या से कैसे न कैसे क्वेश्चन आपको इनमें मिल जाएगा, चाहे आप दुनिया में कहीं पर भी कोई सा भी कॉम्पिटिशन दे रहे हो। ठीक है, विठोबा का भक्त किसे माना गया है, विठोबा का जो भक्त माना गया है वो किसे माना गया है, कितनी अच्छी बात है, नामदेव को विठोबा का भक्त माना गया है। अनेक बार इस प्रश्न को मैंने जो है पढ़ लिया और अनेक बार इस प्रश्न को मैंने पेपरों में देख लिया है। तो विठोबा का जो भक्त है वो नामदेव को माना जाता है। संत नामदेव जो है विठोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया करते थे। संत नामदेव का जो है वारकरी पंथ, वारकरी जो पंथ है वो वारकरी संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। मुखबानी नामक पुस्तक में उनकी रचनाएं संकलित हैं। तो याद रखिएगा भैया, वारकरी पंथ जो है, वारकरी संप्रदाय जो है आज उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है और मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित की गई है। किसकी, नामदेव जी की, विठोबा का भक्त इनको कहा जाता है। मीराबाई की बात करते हैं, मीराबाई ने रैदास को जो है, रैदास एक नीची जाति से थे, दलित वर्ग से आते थे, इनको गुरु माना है। मीराबाई ने रैदास जी को गुरु माना। सूरदास गऊ घाट पर जो है वल्लभाचार्य से दीक्षा उन्होंने, सूरदास जी ने जो है वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली थी गऊ घाट पर, फिर गोवर्धन पर्वत गए और फिर श्रीनाथ जी से, श्रीनाथ जी की सेवा में लग गए। कहाँ गए, गोवर्धन पर्वत गए और फिर वहां श्रीनाथ जी की सेवा में ये लग जाते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, अनेक बार परीक्षाओं में आ गया साथियों, मजा आ गया यार इस प्रश्न को देख करके, कितने जबरदस्त प्रश्न है, बहुत सुपर प्रश्न है, बहुत सुपर। तो श्रृंगार रस के जो घोर विरोधी कौन से संत थे, सबको पता है सुंदरदास जी बहुत पढ़े लिखे, बहुत स्मार्ट कैटेगरी के थे और श्रृंगार रस का बिल्कुल विरोध किया करते थे ये। ठीक है, तो सुंदरदास जी श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे और सुंदरदास दादू दयाल जी के शिष्य थे, ये भी याद रखना। सुंदरदास किसके शिष्य थे, दादू दयाल जी के शिष्य थे, 52 शिष्य थे इनके, उनमें से एक है। ये निर्गुण मार्गियों में से एकमात्र संत हैं जो शिक्षित थे, व्याकरण रीति आदि से परिचित थे और लिखा भी करते थे। रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही है जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बना ही आनी, ऐसा इन्होंने लिखा है। बहुत स्मार्ट थे साथियों, बहुत स्मार्ट। ठीक है, किसमें, पढ़ाई में। सुंदरदास की दो रचनाएं हैं, सुंदर विलास जिसमें 34 अंग हैं और एक एक ज्ञान समुद्र जिसमें 35 उल्लास है। साथियों ये बात याद रखना आप, सुंदरदास जी की दो मुख्य रचनाएं सुंदर विलास जिसमें 34 अंग हैं और ज्ञान समुद्र जिसमें 35 उल्लास हैं, इनके रचनाओं का संकलन पुरोहित हरि नारायण शर्मा। ये बात याद रखना भैया कि जो सुंदरदास जी की रचनाएं हैं उन उसका जो संकलन है वो पुरोहित हरि नारायण शर्मा जी ने सुंदर ग्रंथावली नाम से दो भागों में किया था। जो पुरोहित हरि नारायण जी शर्मा है उन्होंने सुंदर ग्रंथावली नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया दो भागों में, याद हो जाएगा। सुंदरदास जी को जो है श्रृंगार रस का घोर विरोधी किस संत को माना जाता है, किस संत कवि को माना जाता है, सुंदरदास जी को। सुंदरदास जी किसके शिष्य थे, दादू दयाल जी के शिष्य थे। दादू दयाल जी के 52 शिष्यों में से एक गिने जाते हैं। सुंदरदास जी जो है निर्गुण मार्गों से एकमात्र संत हैं जो शिक्षित थे, व्याकरण रीति को जानते थे, व्याकरण नीति को जानते थे और इन्होंने लिखा भी है, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारी है जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बना ही आनी। तगड़ा प्रश्न है भैया, मजा आ गया जी। चलिए पढ़िएगा, 102 नंबर का प्रश्न है, कबीर की उलट बांसियों में
कौन सा रस प्रमुख है जो कबीर की उलटवासिया है उनमें कौन सा उलटवासिया, पहले तो कबीर की है ये ध्यान रख लो, उलटवासिया क्या है, कबीर दास जी की है, तो उलटवासियों में कबीर का रस प्रमुख है, वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस है साथियों, कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस प्रमुख माना गया है। सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा करके उलट करके कविता के माध्यम से कही हुई बात को व्यंजना में उलटवासी कहा जाता है। मतलब सीधे सीधे बात को नहीं करना, घुमा फिरा कर करना, उल्टा पुल्टा करके कहना, वो उलटवासी है। ठीक है, तो संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटवासियों की रचना की है, मतलब डायरेक्ट बात नहीं कही, घुमा फिरा करके कहते थे, इसलिए उलटवासी इसमें आती है। 103 नंबर का प्रश्न है, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है। देखिए आप कैसे, मगहर में कबीर की दास जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, और लोही जो है, लोही से किसका संबंध है, तो कबीर दास जी है भैया, ठीक है, मगहर और लोही से कबीर दास जी का ही संबंध है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई और कबीर की पत्नी का नाम लोही था, हो जाएगा याद, कबीर जी की मृत्यु जो है 1518 में मगहर में हुई और लोही जो है कबीर दास जी की पत्नी का नाम था। पुत्र और पुत्री इनका जो है कमाल और कमाली थे, इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। कबीर की वाणी संग्रह का जो है उनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था बीजक में, बीजक में किया था सन 1464 में। बीजक के तीन भाग हैं, सबद, रैमेनी और साखी, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साथियों जो है कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है, भाषा का डिटेक्टर कहा है, भाषा का तानाशाह कहा है साथियों, ठीक है, किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास जी के बारे में क्या कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर कहते हैं। नोट कर लेना मेरे मित्रों, नोट कर लेना इसे, जीवन को बना देंगे ये प्रश्न, मैं गारंटी देता हूं आपको, ऐसे प्रश्न अगर मिल जाए तो। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही ये कंप्लीट होगा, जैसे ही ये कंप्लीट होगा संत काव्य, वैसे ही इसकी पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, थोड़ा विश्वास रखिए भाई, ठीक है, विश्वास रखिए, मैं प्लीज आपको डाल दूंगा, निश्चित रहिए आप, ठीक है, क्योंकि मैंने बोल दिया है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, 103 नंबर का प्रश्न था जो अच्छा प्रश्न है, हो जाएगा यार। 104 नंबर का प्रश्न है, अभी कबीर दास जी के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया, कबीर दास जी के बारे में कुछ भी आता है ना मित्रों, क्या इन प्रश्नों से बाहर जा सकता है, आप खुद बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए मित्रों, क्या जो प्रश्न कबीर दास जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, क्या एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा किसी कंपटीशन में, अगर कबीर के बारे में कुछ भी आता है तो? नहीं जा सकता, एक बार आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, क्या जा सकता है, क्या नहीं जा सकता मित्रों। और आपका जो प्यार और बड़प्पन जो साथियों आपने दिखाया है इन क्वेश्चनों के प्रति, जीवन समर जाएगा आप लोगों का, मेरा तो आप लोगों ने जो है उत्साह बढ़ा दिया है, और इसी तरह से मैं लगन और मेहनत के साथ आप तक इन प्रश्नों को पहुंचाता रहूंगा। कबीर की पत्नी का नाम अभी अभी हम लोग पढ़ा है, लोही था उनके, कबीर की पत्नी का नाम क्या था, लोही, और इनका जो पालन पोषण है वो नीरू और नीमा ने किया था, एक जुलाहा दंपति थे, इनके दो संतानें थी, पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर दास जी की जो वाणी का संग्रह है वो 1464 में इनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था बीजक नाम से, बीजक को तीन भागों में बांटा है, साखी, सबद और रैमेनी। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है, कबीर है मित्रों, कबीर, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है, कबीर है, और ये बात किसने कही है, ये बात कही है बच्चन सिंह जी ने, लिख लेना, नोट कर लेना। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास जी को क्या कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर दास जी को भाषा का डिटेक्टर, वाणी का डिटेक्टर, भाषा का तानाशाह, बहुत सारी बातें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में करी है मित्रों। चलिए, 105 नंबर का प्रश्न है, पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है,
इनमें से जो प्रवृत्तियां हैं, इनमें से जो विशेषताएं हैं, वो संत काव्य में नहीं देखी जाती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता बिल्कुल है, रहस्यवादी भावना और ब्रह्म बाह्य आडंबरों का खंडन। साथियों वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देना, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देना संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है साथियों। गुरु की महत्ता संत काव्य में है, रहस्यवादी भावना है, बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का विरोध और प्रेम की महत्ता। गुरु की महत्ता, प्रेम की महत्ता, जाति पाति का विरोध, बाह्य आडंबरों का खंडन और रहस्यवादी भावना, ये पूरी की पूरी जो प्रवृत्तियां हैं ये संत काव्य की प्रवृत्तियां हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देना ऐसा संत काव्य में बिल्कुल नहीं कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 106 नंबर का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अरे भैया जी, बहुत तगड़ा नाम, बहुत तगड़ा नाम और बहुत तगड़ी लाइन है, बहुत हिम्मत वाला प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है जो गलत करके आ जाते हैं। चलिए आप आंसर दीजिए इस प्रश्न का, कमेंट करके बताइए इस प्रश्न को, क्या आपने क्या पढ़ा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। साथियों आप लोगों से मेरे को एक शिकायत है, आप पूरा नहीं पढ़ते हो, क्योंकि आपका कमेंट मुझे नहीं आता है, इसका मतलब आप पूरा नहीं पढ़ते हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो इतनी, इसको आप स्किप करके 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 निकाल दोगे, इससे थोड़ी काम चलने वाला है। आप पढ़िए इसको, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे आपके कानों में बातें पड़ेगी, आपको समझ में आएगी, चीजें रिपीट होंगे बार बार, क्वेश्चन आप रट दोगे इन प्रश्नों को, मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं साथियों। एक एक प्रश्न को पढ़िए, ढंग से पढ़िए, मैं बहुत आराम से बहुत धीरे से क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं भी स्पीड से पढ़ दूंगा, मेरे क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। आज थोड़ा सा मैंने आप लोगों को डांट लगाई है, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये पंक्ति जो है किस कवि की है, मुझे आंसर आप दीजिए इसका, ठीक है, 106 नंबर प्रश्न का, और आंसर आप लोगों का मिलना चाहिए मुझे। साथियों अगर पहली बार आते हो तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप कीजिए, आपके लिए ही मेहनत है साथियों, और मेरी मेहनत आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।